क्लास फाइव के स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली। आज मैं दिवाकर प्रसाद आप लोगों के सामने जनरल नॉलेज चैप्टर नंबर 7 के बचे हुए द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 नए आश्चर्यजनक चीजों के बारे में जानकारी पिछले वीडियो में भी मैंने दिया था, उसी का बचा हुआ पार्ट 9, जिसमें टेस्ट में भी आप अपनी पुस्तक में 4th फिगर मैक्सिको हिंस में लिखा हुआ है। मैक्सिको में चीचेन इटजा या चीचेन इटजा विश्व के नए धरोहर में रखा गया है, कि जिसका मतलब होता है कुएं के मुहाने पर, या कोलंबस पूर्व युग में माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक शहर था। अल कैस्टिलो चीचेन इटजा पुरातात्विक स्थल के केंद्र में स्थित है, जिसको 2007 में दुनिया के नए 7 आश्चर्यों में से एक के रूप में चुना गया। नेक्स्ट नंबर 5 जो फिगर आप देख रहे हैं इटली लिखा हुआ है, वह रोमन कोलोजियम के बारे में विस्तार से हम बताते हैं कि इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित बीच में बना हुआ रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल एलिप्टिकल एम्फीथिएटर है। यह रोमन स्थापत्य और अभियांत्रिकी का सर्वोत्कृष्ट सबसे उन्नत नमूना माना जाता है। इस भवन का नाम एम्फीथिएटर फ्लेवियन वेस्पियन और टाइटस के पारिवारिक नाम फ्लेवियस के कारण रखा गया है। अंडाकार कोलोजियम की क्षमता 50,000 दर्शकों की थी, जो उस समय में साधारण बात नहीं थी। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयां हुआ करती थी। यूनेस्को द्वारा इसका चयन विश्व विरासत के रूप में किया गया है। नंबर 6 में इंडिया, जो ताजमहल, इंडिया का ताजमहल पहले भी था विश्व धरोहर में और नए में भी जगह मिला 2007 में भी। ताजमहल के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते होंगे। भारत के आगरा शहर में स्थित भारत का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल एक विश्व धरोहर मकबरा है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली पाक, फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 ईस्वी में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ और आज तक इसमें जगह बनाने में कामयाब रहा। नेक्स्ट नंबर 7 जॉर्डन पेट्रा। जॉर्डन के मयान प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक नगरी है, जो अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों और जल वाहन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियों ने अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। कहा जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। यह आधुनिक युग में एक मशहूर पर्यटक स्थल है। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा मिला। पेट्रा की शानदार इंजीनियरिंग उपलब्धियों और अच्छी तरह से संरक्षित
आयाम के कारण पेट्रा को पुरातात्विक स्थल जुलाई 2007 में दुनिया के साथ नए आश्चर्यों में से एक के रूप में चुना गया। ये आप लोगों को न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानकारी दी है, दुनिया के साथ नए आश्चर्यजनक चीजों के बारे में। जो इसको अच्छी तरह से आप लोग बार बार पढ़ेंगे ताकि आप लोग को इसके बारे में जानकारी हो सके। तो हैव ए नाइस डे बच्चों, इसको लर्निंग भी करना है। ओवर एंड आउट।